नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्याम प्रयाग ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ जौनपुर के RTO ऑफिस में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा लाइसेंस बनवाना था, तो मैं ऑनलाइन अप्लीकेशन कर दिए हूँ। तो यहाँ पे जो स्कूटिंग और फ़ोटो खींचते हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे बस हमारा ये काम बाकी है कि जो गाड़ी वाड़ी मतलब चलाना पड़ेगा, चला के दिखाना पड़ेगा, वो काम बाकी है। तो वो फटाफट करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद निकलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ सीन दिखाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जो RTO ऑफिस है जौनपुर में, तो मैं आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ का कुछ लोकेशन आसपास का, ये देखिए वो सामने मेन गेट है जहाँ से लोग एंट्री मार रहे हैं, वो मेन गेट है। और अगल बगल का जो वातावरण काफ़ी हरा भरा है और अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो काम है वो अच्छी तरह हो भी जाता है बिना एक रुपया लिए दिए, सिर्फ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से अगर चलेंगे तो सारा काम ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दलाल जो है बहुत घूम रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंदर दलालों से भाई सावधान हो जाइए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं चल के आप लोगों को थोड़ा अंदर का सीन दिखा देता हूँ जौनपुर का RTO ऑफिस कैसा है। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो बने रहिए, अगर नए तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए। अभी चलो चलते हैं हम लोग। फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी आज निकल चुका हूँ प्रयागराज के लिए, क्योंकि दो दिन फ्रेंड्स गांव में इतना व्यस्तता हो जाता है कि वीडियो अपलोड करने का सही टाइम भी नहीं मिल पाता फ्रेंड्स। लेकिन कोई बात नहीं, चल रहे वापस से प्रयागराज, वहाँ पे वीडियो अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो गठरी, ये अपना सामान, इसमें आलू है और आटा है और ये मेरा बैग तो अपनी है, हेलमेट। भाई हेलमेट मैं हमेशा साथ में लेके रखता हूँ क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मैं अभी निकलता हूँ क्योंकि अभी बज रहा 4:15 और मुझे अपलोड भी करना है वीडियो, बहुत कम टाइम है फ्रेंड्स, और निकलना भी है, पहुँचना भी है। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि व्यस्तता इतनी रहती है, फिर भी अपलोड करना डेली का डेली वीडियो अपलोड करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो मैं अपलोड करता भी हूँ, तो एक आध दिन थोड़ा मिस हो जाता है, तो कोई बात नहीं, डेली अपलोड होगा। प्लस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स सपोर्ट करिए, थोड़ा सब्सक्राइबर जो है आप लोग बढ़ाइए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो देख कर जाइए, मत जाइए, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए फ्रेंड्स। इससे क्या है, आप लोग को अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा और एक हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि चलो भाई अपने ऑडियंस को एक अच्छा वीडियो देना है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये गांव का सीन है। यहाँ पे गांव में चारों तरफ को आपको हरियाली दिखेगी, ये देखिए हरियाली। उधर पूरी मतलब खेती नहीं है, मतलब घास वगैरह है। यहाँ पे देखो धान की खेती हुई है, और पीछे भी देख सकते हैं आप, चरी वगैरह है और ये सब सारे पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट निकलता हूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कैसा किस टाइप का वीडियो चाहिए। अगर फ्रेंड्स वीडियो में कुछ कमी भी रहती है वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे क्या है मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।